हाँ मम्मी, भैया भाभी मेरा खूब ध्यान रखते हैं। हाँ पढ़ाई भी बढ़िया चली हुई है मेरी। हाँ जी ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ। पारुल आ गई तो? मैं हाँ आ गई मैं। तेरे लिए पानी ले आती हूँ, पारुल बैठ एक बात बता, रुक तो इधर ही बैठ। तू मुझे ये बता, तू अपने घर में भी ऐसे बड़ों को उल्टा सीधा बोलती है, नाम लेके बोलती है? मैं तेरे से कितनी बड़ी हूँ तो भाभी नहीं बोल सकती क्या? या भाभी बोलना नहीं आता? तो। सॉरी पारुल, आगे भाभी बोलूंगी। अरे क्या बात होगी यार, पारुल का नाम लिया है। तो इसको बड़े छोटे की तमीज नहीं है, भाभी नहीं बोल सकती? जैसे पारुल बोल रही है वैसे भाभी बोल रही है, क्या जाता है इसका? और आप इसकी जात साइड मत लो। जा तू पढ़ देखो मेरे मजाक का, पानी पूरी मैं दे दूंगा। फोन कर नहीं आ रही, फोन तो यहाँ पे देके जा। अरे भाभी वो फोन में पढ़ाई करूंगी ना मैं। आजकल के बच्चे फोन में पढ़ाई करते हैं, जा। इसने है ना कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, फोन में ना आज की करनी, और कोई काम नहीं है इसको। आजकल ना ऑनलाइन क्लास के लिए लगे। ऑनलाइन पढ़ाई वो मुझे ही पता है, कॉलेज की लड़कियां ना कैसी होती है, हम भी पढ़े लिखे हैं। यार तेरी गंदी नजर हो रही है, ठीक से? अरे अरे तू मैंने जा अपनी बहन की साइड मत लिया करो, जब जगह तो उसकी साइड लेते हैं तो एक दिन तुम्हें ना एहसास हो जाएगा मेरी बात का कि पारुल ने ना सही कहती थी, वो है ना गलत लक्ष्य पे चल रही है। एक बात बता, तेरे भाई भी मोरो क्या करते? फिर तो मैं ऐसी थी भी नहीं जैसी वो है। मेरी बेबी सी को ना, ठीक से? मैं कह रही हूँ ना एक दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा, तब तुम विश्वास करना मेरी बात पे। हाँ, हो जाएगा, देखूंगा। जाना है ना लेक्चर में झाड़े यहाँ पे, ठीक है? जाकर उसको ना समझा दो, पढ़ाई पूरी कर लिया करे, जहाँ फोन में लगी रहती है। आप भी देखा था ना कैसे फोन में लगी हुई थी। आया बड़ा है, बोल दूंगा। कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई? सो रही होगी जरूर। अच्छा भाभी मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही है? हाँ एक काम कर, पहले ना किचन में बर्तन रखे वो कर दे, फिर चली जाइए अपना कॉलेज। अरे भाभी देख ना कितनी ठंड हो रही है, और वैसे भी मैं तैयार हुई हुई हूँ, मेरे कपड़ों में दाग लग जाएगा। क्या ठंड हो रही है और कपड़ों में दाग लग जाएगा, फिर इसकी जिम्मेवारी मैं क्यों लूँ भाई? मेरे को ठंड नहीं लगती, मैं कोई काम नहीं कर रही यहाँ पे, मैं झाड़ू पोछा सारा कुछ करती हूँ, बर्तन करती हूँ, तो मेरे को ठंड नहीं लगती। कपड़े तक धोती हूँ यहाँ पे तब मुझे ठंड नहीं लगती। तुम्हारे भी कपड़े मैं दूँ, तेरे भैया के भी मैं दूँ, सारे काम मैं करूँ, तू कुछ नहीं कर रही। तू यहाँ पे एक्सप्रेस थी करने आई है? काम कर ले थोड़ा, चुपचाप जाके ना बर्तन कर ले, मेरे से ना डायलॉग मत सुन यहाँ पे। अरे भाभी मैं आके धो दूंगी ना, मुझे लेट हो रहा है। तुझे एक बार ये बात समझ में नहीं आती क्या? जा एक बर्तन धो ले। ठीक है भाभी धोती हूँ। ये फाइल को रख दे अपना यहाँ पे, फिर गिल्ली हो गई फिर बोलेगी भाभी को ऐसे गिल्ली होगी। आए बड़े भाभी ठंड हो रही है, तो ठंड में हम कोई काम नहीं करते, कराते इससे काम में, सारे काम मैं ही करूंगी क्या यहाँ पे? यार इतनी ठंड हो रही है, भाभी भी सामने ही है और देख भी तेरी रही है। चल धोने तो पड़ेंगे, वैसे भी लेट हो रही है। हाँ सारे काम मैं करूंगी। पारुल कविता गई के? काम गई? अरे कॉलेज में टाइम तो हो रहा होगा। तो चली जाएगी, अभी बर्तन कर रही है, सारे काम करने का ठेका मैंने ले रखा है घर का। के बर्तन करा हुआ? हाँ और क्या, बर्तन नहीं कर सकती हो? यार तू पागल पुगल है के? उन्हें कॉलेज में जाना था और ऊपर इतनी ठंड है। अच्छा तुम्हारी बहन के लिए ठंड है, मेरे लिए तो कोई ठंड है नहीं। कॉलेज जाना था तो चली जाएगी, मैंने कॉलेज जाने के लिए मना थोड़ी ना किया। यार तू धनुआ बहस लाओगी कविता? अरे क्या तुम उसको बोले करने देना काम, काम भी नहीं करने देते उसे। पागल ठंड लगे ही जानती आ रहा हूँ, बाहर जाना तना तक राय लेना है। अच्छा मैं को ठंड नहीं लगती जब मैं काम करती हूँ, कपड़े मैं धोऊँ, बर्तन मैं करूँ, झाड़ू पोछे मैं करूँ, आज एक दिन उससे बर्तन कर ले, तुम्हें अपनी बहन की तरस आ गई इतना? मेरे ऊपर तो कभी तरस नहीं आया तुम्हें। यार इसी को बात रहा ठीक है, तू सो बस हुई मत ले जाए एक बदम। तो मैं ना ज्यादा अपनी बहन के साइड मत लो, चुपचाप बर्तन करने दो फिर वो चली जाएगी। एक मिनट रुक जा कविता। हाँ भैया। गई नहीं है तू? बस भैया जा रही हूँ, दो तीन बर्तन है। इन बर्तन बर्तना छोड़ दे, जा चली जा कॉलेज में। अरे भैया तुम झगड़ा नहीं करो, बस मैं जा रही हूँ, दो तीन बर्तन रह रहे हैं। सुन लिया, तुम्हारी ना समझ आ, तुम्हारी बहन है कि तुम्हें ना आपस में लड़ाई मत करो, दो बर्तन है करके मैं चली जाऊंगी,
जाने दो उसको कॉलेज। फिर वो अभी से ही सोचता है, तू वाला सोचती। चुप करके रह जाओ, सारे काम मैं करती हूँ। एक दिन उसने क्या काम कर लिया, बर्तन धुलवा लिया तो उससे तुम्हें ज्यादा हो गया। चुप चल अपना अंदर। आए बड़े बहन काम नहीं करेंगे। एक दिन क्या काम हो वाले सारे मेरे पर चीज से लग गया। अच्छा भाभी मैंने बर्तन कर दिए, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ ठीक है चली जा, पर टाइम है ना, घर आ जियो, लेट हुई ना मुझसे पूरा कोई नहीं होएगा। और भैया के सामने ना क्या शिकायत करते हैं मेरी। चल चली जा। हाँ ठीक है, इनको तो मैं बताऊंगी, जब देखता हूँ अपनी बैग के साइड देखते रहते हैं, मैं नहीं दिखती इनको। अरे आपको भी फर्स्ट ईयर में दिक्कत होती थी क्या कुछ? हाँ दिक्कत तो होती थी, लेकिन तेरा नया नया एडमिशन हुआ ना, तेरे को इसलिए लग रहा है। मेरे तो सब सर के ऊपर से ही चला जाता है। अरे यार ऐसा ना करा कर। चलो लंच लाई हूँ आप? नहीं लंच तो नहीं लाई मैं तो कैंटीन में ही करती हूँ। अच्छा फिर मैं इस लंच का क्या करूँ फिर? हम तो अपने टाइम पे कुत्तों को या गाय को डाल देते थे, लेकिन तू ऐसा मत करना, तू इसको घर ले चल। और कल से अपने घर वालों को बोल देना कि मेरा लंच पैक नहीं करें, कैंटीन में मेरे साथ कर लग रही हो। अरे ये यहाँ बैठी है, मैं इसका कब से कॉलेज के गेट पे वेट कर रहा था, ये भी ना। ठीक है चले चलो। अरे गुड़िया तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हारा इंतजार वहाँ कॉलेज के गेट के बाहर कर रहा था। भैया कॉलेज के लेक्चर जल्दी खत्म हो गए थे तो मैं पार्क में आके बैठ गई। अच्छा ये है तुम्हारे भैया? हाँ ये है मेरे भैया। अच्छा चले फिर। हाँ भैया चलो। ये तुम्हारी फ्रेंड है? नहीं सीनियर है। सीनियर कॉलेज फ्रेंड, तुम इकट्ठे रहते हो? हाँ मतलब सीनियर है ना ये। आगे महारानी, टाइम देखा टाइम क्या हो रहा है, 12 बजे तेरी छुट्टी होती है और 1 बजे भी है, कहाँ थी अब तक ये बता दे मुझे, किसके साथ घूम रही थी? अरे भाभी आप तो बिना बात पे मेरे पे इंजाम लगा रहे हो, वो मेरी फ्रेंड मिल गई थी बस उसके साथ ही। फ्रेंड? ये बॉयफ्रेंड? अरे भाभी ऐसे कैसे बातें कर रहे हो आप? मैं ना सही बोल रही हूँ, मुझे पता तेरा कि तू क्या करती है क्या नहीं करती, और तू सही लड़की होती ना तो टाइम पे घर आती। तुझे मैंने सुबह ही बोला था कि टाइम पे घर आ जियो, और तू एक ही अभी तक आई नहीं टाइम पे। भाभी आप बिना बात पे कैसे कैसे इंजाम लगाए जा रहे हो। तू आ रहा है ये मेरे आगे आंसू मत दिखा, कहीं तू ये सोचो तेरे आंसू से मैं पिघल जाऊंगी। चुप चाप आराम से चली जा। अरे भाभी मैं सच कह रही हूँ, मेरी फ्रेंड मिल गई थी तो थोड़ी देर उसके साथ बैठ गई थी मैं। ठीक है मान ली मैं तेरी बात, ठीक है मैं तो अब जाओ अपना काम करो जाओ। ठीक है भाभी। इसकी शिकायत तो इसके भैया को लगानी पड़ेगी। आई बड़ी कि मेरे को फ्रेंड मिल गई थी, वो मुझे सब पता कौन सी फ्रेंड मिली थी। भाभी क्या है बोल जल्दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे बोल, बोला तो है। भाभी वो मेरी नहीं फ्रेंड आ रही है। अच्छा तो मैं क्या करूं? भाभी वो आप उसके सामने नहीं मेरी बेइज्जती मत करना, वो कॉलेज में नहीं मेरी जूनियर है, कभी आप उसके सामने मेरी बेइज्जती करो। अच्छा तो अब तू मुझे बताइए किसके सामने क्या बोला क्या नहीं बोलना, मैं अंदर आया दिमाग है पड़ा, तेरी तरह नहीं हूँ मैं, जिसके सामने जो बोलना होगा ना मैं वो बोलूंगी, तेरे कैसे चुप नहीं रहूंगी। ठीक है चुप करके जाओ अपना काम कर। और सुन कितने बजे आ रही तेरी फ्रेंड? बस भाभी आने वाली है थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है। और सुना कैसे चल रही है तेरी पढ़ाई? ठीक चल रही है। और तेरे को घर आने में कोई दिक्कत तो नहीं रही? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है। हाँ आप मुझे नोट्स दे देते, मैं अपना फिर घर पे जाके काम कर लेती। अरे वो तो मैं तेरे को दे दूंगी। हाँ मेरे को तेरे से कोई बात बोलनी थी यार, तू अपने भाई से वीडियो कॉलिंग पे बात कराना, मेरी कोई बात करनी है मेरे को जरूरी। मेरे भाई से? हाँ क्या बात करनी है यार, तू एक बार बात तो करा मेरी। हाय। अरे
आप आपने यशी, मैं बहुत बढ़िया, आपने यशिका के फोन से फोन क्यों किया? आप अपने फोन से कर लेते ना। बस मेरा मन कर रहा था आपसे बात करने का। और कैसे हो आप? तो कोई ना, आप यशिका से नंबर ले लीजिए और अपने फोन से फोन कर लीजिए, चले बातें तो होती रहेंगी। कोई नहीं, अब ले लेती हूँ नंबर। और कविता हो गई बात, वो दिखाइए कौन है, फोन ही काट दिया। कौन था ये भाभी? वो कौन था ये भाभी? मैं तो नोट्स लेने आई थी, ये मेरा फोन है। नोट्स ले लिया आपने? नहीं, बाद में ले जाऊंगा। कौन था ये भाभी? वो भाभी वो क्या, मैंने ना सब देख लिए। लड़के से बात कर रही थी ना लड़के से बात। कौन है वो लड़का ये बता दे मुझे, बॉयफ्रेंड है ना तेरा? सॉरी भाभी। और उस दिन कॉलेज से भी तू तभी लेट आई थी, इससे मिलने गई होगी जरूर। नहीं भाभी, उस दिन तो मैं सच में अपने फ्रेंड के साथ थी भाभी। अरे बस कर यार, बस कर, कितना झूठ बोलेगी, थोड़ी तो शर्म कर ले। तू यहाँ पे पढ़ने आई है गाँव से, ये काम करने नहीं आई? आज तक शिकायत मुझे तेरे भैया को लगानी पड़ेगी। तू नहीं मानेगी मेरी बात भाभी? नहीं आज क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रही है? क्या हो गया, क्या नहीं हुआ ये बोलो। क्या तू हाथ पकड़ रही है मेरा, बता देना तेरे भैया को पता चलना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यार क्यों क्रेश कर रही है, देख गाल तो वैसे देख रहा, क्या बात हो रही है इतनी टडला रही है? इसकी फ्रेंड आई हुई थी कोई, फिर क्या पता आ गई थे? अरे भैया मुझे फ्रेंड से वो कोई वो नहीं है, फ्रेंड आई थी उसके फोन से किसी लड़के से बात करी थी ये। अरे मैंने इसे खुद देखा है एक लड़के से बात करते हुए। तुम्हें अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना तो अपनी बहन से ही पूछ लो, यही तुम्हें बताएगी। सच कह रही है क्या? हाँ भैया, भाभी सच कह रही है, वो मेरी नी फ्रेंड का भाई है, मैं उसको लाइक करती हूँ। सुन ली आप तुमने, अब तो बातें विश्वास करोगे या नहीं? ये उस दिन भी कॉलेज के बाहर है ना इसी लड़के साथ घूम रही होगी, तभी ये लेट आई थी घर पे, अब मुझे पता चल गया। यार तू बता रिश्ते थी पहला तू बैठता है, क्योंकि घर आ जाके देख काटे के व्यवहार है के नहीं है, चोरी छुपे तू बात करे तेरी। भैया मैंने नहीं पहली बारी बात करी है, मैं तू बोल रही, मेरे फोन में उसका नंबर भी नहीं है। चल जाके पढ़ ले तू। भैया मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ, मैंने पहली बारी बात करी। ठीक है मैं मान रहा हूँ, चलो ठीक है अपने कमरे में जाओ पढ़ लो। तेरी बात कराने के लिए आई थी क्या स्पेशल? नहीं भाभी, उसको सच में काम था, और सच तो यही है कि मैं उसको लाइक करती हूं। तेरी पाच मत लग गए पढ़ने दे ना भी, वो जा रहा गलती बालका पे। ये बालक नहीं है भाई, इतनी बड़ी लड़की हो रही है, इसको कम से कम ये तो देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पूछ रहा था समझा दूंगा मैं इसमें, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था ये कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाती, ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं करती। पता चल गया मैं एक दिन है ना सही कहती थी, आपको एहसास होगा मेरी गलती का, अब हो गया एहसास, अब मानते हो ना मैं सही कहती थी। यार मेरी झूठी कसम थोड़ा खाओगी यार, बीस ने मेरी कसम खा ली, पहली बार बात करी हो यार गलती। इसको या फिर गांव में भेजो या फिर मम्मी पापा को बोले इसका रिश्ता करेंगे, पक्का करेंगे, नहीं तो ये हमारे ऊपर बात आएगी कि भैया भाभी ये घर रहने गई थी और लड़की कैसी हो गई है, पहले कैसी नहीं थी। चुपचाप है ना बात करके बात खत्म करो यहाँ पे। यार कब तक कभी यार मेरे तो पता दे देती है, मेरा पता ही नहीं खोला। चल ठीक है बाबू, आज भेज दूंगा। हो गई बात, क्या कह रहे हैं पापा? तो आज भेज दे, उस रब मैं देखूंगा। देखा पापा भी सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मैं कहती हूँ सही कहती हूँ, मैं सही किसी बात तो कुछ बोलती ही नहीं। हाँ तू सारी बात सही कहो है। अब शांति आएगी जब वो चली जाएगी यहाँ से। तेरे की शांति आएगी और क्या, जब तक तुम मेरे ऊपर चढ़ के बैठी है सारा नाक में दम करके रख दी है। अच्छा तेरा काम कराया करती, क्या काम करा के उससे ज्यादा तो फालतू मेरे सिर में। एक काम करती हूँ आज ही मैं इसका ना बैग पैक कर लेती हूँ, तब मुझे और ज्यादा शांति मिलेगी कि चलो जा रही है इस घर से। बैग पैक तक कर लिए, दो रोटी सेक दी तेरा, मेरे बस की नहीं है, तुम्हें सुना नहीं देता क्या? आगे लो देख लो महारानी। अरे भाभी तुम झगड़ा मत करो दोनों, मैं
खुद ही अपना बैग पैक कर लिया है और मैं खुद ही जाने लग रही हूँ। ओ इतना दिमाग आ गया महारानी में। भाभी मैं कसम खा के कह रही हूँ, उस दिन भी मैंने पहली बारी बात करी थी, मैं आज के बाद किसी से बात नहीं करूँगी, मैं अभी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। वैसे भी भैया भाभी, वैसे भी मेरी 3 महीने की पढ़ाई रह रही है, अब तो जब पेपर ही होंगे तभी मैं आऊँगी, और मैं अब से ही अपना फ़ोन बंद कर रही हूँ, आज से बाद मैं किसी से बात नहीं करूँगी। चल ठीक है, जब तो एग्ज़ाम दे रहेगी ना तो एक काम करियो, यही इसी घर में ही आ जाइयो, अब तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, गलती तो मेरी भी है ना, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ बड़ों से भी हो ही जाती हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि भी छोटों से ही गलतियाँ आती हैं। कोई नहीं, अब से हम साथ साथ रहेंगे, मिल के रहेंगे, ठीक है? ठीक है। और आप है ना।